डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़ोटो इलेक्ट्रिक सेल वट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इसे बेटा इलेक्ट्रिक आई भी बोल देते हैं और कई बार इसे फोटो ट्यूब भी बोलते हैं इसलिए मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक आई भी लिख दिया है सो फोटो इलेक्ट्रिक सेल पढ़ेंगे हम क्या इसका प्रिंसिपल है सो so, बेसिकली बेटा वर्किंग प्रिंसिपल तो इसका फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट ही है इसमें जैसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट पे और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और वो कलेक्टर प्लेट की तरफ जाते हैं रिजल्ट क्या होता है एक्सटर्नल सर्किट में एक करंट फ्लो करता है बेटा सो बेसिकली फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है फ़ोटो इलेक्ट्रिक सेल इसके बहुत सारे यूसेज हैं बेटा इसी वीडियो में हम सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे फिर वर्किंग पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे बेटा क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स की बेटा कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है उसे सो so स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक सेल बेटा देखें बेटा फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब उसको समझाने के लिए यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बनाया गया है फोटो इलेक्ट्रिक सेल का बेटा देखो ज़रा इसमें क्या होता है हमने एक ये ग्लास की या क्वार्ट्ज ट्यूब लेते हैं बेटा ठीक है जिसके अंदर एक सेमी फोटोसेंसिटिव फोटो सेंसिटिव मटीरियल होता है जिसको सी से इंडिकेट किया गया सी स्टैंड्स फॉर कैथोड बेटा क्योंकि ये जो होता है दैट इज़ कनेक्टेड टू द कैथोड और जो एक ट्यूब होती है इसको हम क्या बोलते हैं कलेक्टर होता है बेसिकली ये तो इसको ए से लिखा है दैट इज एनोड क्योंकि ये एनोड से कनेक्टेड है बेटा इसलिए भी इसको ए से लिखा जाता है बट बेसिकली ये है क्या ये कलेक्टर प्लेट है और ये क्या है एमिटर प्लेट है और यहाँ पे ये जो बेस है इंसुलेटिंग बेस है बेटा यहाँ से दोनों वायर्स जो हैं बाहर आती हैं और जैसा कि पता है सी जो है कैथोड से कनेक्टेड होता है तो ये दिस इज एट लोअर पोटेंशियल सी से कनेक्टेड है और बहुत सारे सेल लगे हुए हैं बेटा हम नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं क्लियर और अगर इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे ये एक्सटर्नल लोड है आर और यहाँ पे साथ में क्या लगाया माइक्रो एमीटर लगाया है क्योंकि हमें पता है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कलेक्ट एमीटर टू कलेक्टर ए स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट बेटा इसलिए उस यहाँ पे क्या लगाया है हमने माइक्रो एमीटर क्लियर है और ये लगाया है हमने रेवस्टेट बेटा क्लियर है ये रेवस्टेट है ताकि करंट को कॉन्स्टेंट रखा जा सके और ये यहाँ से दिखाया गया है कि इंसिडेंट लाइट है कोई सोर्स ऑफ लाइट है वहां से लाइट आ रही है इस मेटल प्लेट पे ठीक है जी और यहाँ पे अब देख ध्यान दो जरा ध्यान से समझना है अगर जो ये इंसिडेंट लाइट है वो अगर थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी से इंसीडेंट हो रही है या उससे ज्यादा फ्रिकवेंसी से इंसीडेंट हो रही है तो क्या होगा यहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और वो कहाँ ट्रैवल करेंगे दे विल बी मूविंग टुवार्ड्स द ए क्योंकि बेटा दिस इज एट हाइयर पोटेंशियल और दिस इज एट लोअर पोटेंशियल और हमें पता होता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल ये बात ध्यान देनी है देखो जरा ए को अगर आप चेक करेंगे सो दैट इज कनेक्टेड एट पॉजिटिव टर्मिनल हाइयर पोटेंशियल पे बेटा और अगर सी को देखेंगे सो दैट इज कनेक्टेड एट लोअर पोटेंशियल ठीक है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये चीज़ ध्यान देनी है आपने अब कुछ नहीं है सारा पिक्चर क्लियर है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट हमने पढ़ा ही हुआ है मैं बता भी चुका हूँ अगर थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिकवेंसी से लाइट इंसिडेंट होगी तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और दे विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम सी टू ए और नतीजा क्या होगा फिर वही जो इलेक्ट्रॉन है वायर से होते हुए एक्सटर्नल सर्किट में करंट इस्टेब्लिश कर देंगे बेटा यही इसी में मैंने आपको कंस्ट्रक्शन भी डिस्कस कर दिया और साथ साथ वर्किंग भी बता दी बेटा अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फ़ोटो इलेक्ट्रिक सेल्स की देर आर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल बेटा सो स्टार्ट करते हैं वन बाई वन और उनको देखते हैं क्या क्या एप्लीकेशंस हैं तो बेटा जी एप्लीकेशन्स की अगर बात करें तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज इन टेलीविज़न कैमरा फॉर टेलीकास्टिंग सीन्स एंड इन फोटो टेलीग्राफी तो ये तो सबसे पहली एप्लीकेशन होगी बेटा वो फ़ोटो टेलीग्राफी में यूज़ किए जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स और टेलीविज़न कैमरा में भी यूज़ किए जाते हैं फॉर टेलीकास्टिंग सीन्स नंबर टू जो है दीज आर यूज इन काउंटिंग डिवाइसिस जैसे कि मान लीजिए किसी बिल्डिंग में नंबर ऑफ पर्सनस को काउंट करना है जो एंटर कर रहे हैं वन बाई वन ठीक है लाइन में तो वहां पे काउंटिंग डिवाइस की तरह इसको यूज़ किया जाता है बेटा नंबर थ्री की अगर हम बात करें दीज आर यूज़्ड इन बर्गुलर अलार्म एंड फायर अलार्म्स आपने देखा होगा कई बार बैंक्स वगैरह में अलार्म बजते हैं ठीक है वो बेसिकली फ़ोटो इलेक्ट्रिक सेल को यूज़ किया जाता है इन फॉर्मेशन ऑफ बर्गुलर अलार्म्स तो वहाँ पे भी दोबारा क्या है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की ही यूटिलिटी है बेटा और इसी तरह से फायर अलार्म्स में भी फ़ोटो इलेक्ट्रिक सेल्स को यूज़ किया जाता है नेक्स्ट अगर एप्लीकेशन की बात करें सो दीज आर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ स्टार्स और आगे क्या है एंड टू स्टडी स्पेक्ट्रम ऑफ हेवनली बॉडीज तो उनको भी स्टडी करने के लिए बेटा फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स का यूज किया जाता है नेक्स्ट एप्लीकेशन की अगर बात करें दीज आर यूज टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ द स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली मतलब क्या होता है जब लाइट की इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम हो जाती है तो अपने आप से स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो जाती हैं और इसी तरह से अपने आप ही क्या हो जाती हैं ऑफ हो जाती हैं बेटा ऑटोमेटिकली होता है ठीक है वहाँ पे फिर मैनुअल अटेंशन की जरूरत नहीं होती है मैनुअली ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होती है उसको नेक्स्ट की अगर बात करें एप्लीकेशन की दे आर यूज इन फोटोमिट्री टू कंपेयर द इल्यूमिनेटिंग पावर्स ऑफ टू सोर्सेज मान लीजिए दो डिफरेंट सोर्सेज़ हैं और वो लाइट को एमिट कर रही हैं तो उनकी इल्यूमिनेटिंग पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं बेटा ठीक है तो इस टेक्निक को हम फोटोमेट्री बोलते हैं बट इसको कंपैरिजन कैसे करते हैं बाय यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स ठीक है cells, बेटा नेक्स्ट एप्लीकेशन की अगर बात करें दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ फॉर लोकेटिंग और आइडेंटिफाइंग माइनर फ्लॉज एंड होल्स इन मेटालिक शीट्स जो मेटल की बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं उनमें कोई जो फॉल्ट रह जाता है होल होता है छोटा या कोई क्रैक होता है तो उनको डिटेक्ट करने में भी फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स को यूज़ किया जाता है आगे और इसकी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें सो वी मूव टू द एर्थ एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स क्या कहती है देखते हैं बेटा एर्थ एप्लीकेशन में बेटा क्या है दे आर यूज टू डिटरमाइन द ओपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स नाइन्थ एप्लीकेशन क्या कहती है दे आर यूज टू कंट्रोल द टेम्परेचर एंड केमिकल रिएक्शंस लास्ट एप्लीकेशंस में क्या आती है लास्ट एप्लीकेशन क्या कहती है बेटा देखो जरा दे आर यूज फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ प्लैंक्स कॉन्सटेंट उस पर तो मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि ग्राफिकली प्लैंक्स कॉन्सटेंट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है तो ये वही एप्लीकेशन को बताया गया यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, गया बेटा ठीक है सो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशंस और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं बेटा अगर हम सोचेंगे और देखेंगे तो वी कैन हैव नंबर ऑफ मोर एप्लीकेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाह रहा था आप पढ़ते रहें टेक केयर ऑफ योर सेल्फ